Hi guys, Father Islam Koker again. Welcome to the uh, the most important and certainly last Last lecture on academic writing. Uh, last lectures mein hum log, uh, hum focus raha ki kis se hum ek coherent paragraph और किस तरह से हम किसी भी कॉन्टेंट को इंटरनेट से ढूंढ कर उसको रिफ्रेस कर सकते हैं और फिर उसकी रेफरेंसिंग किस तरह से कर सकते हैं अब इन सब स्किल्स का एक सुपर सेट जिसे हम ऐसे कहते हैं द आर्गुमेंटेटिव ऐसे जिसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है उसको आज हम सीखेंगे ये ऐसे उन एसेज की तरह नहीं है जो ऐसे हम लोग नॉर्मली अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं यानी जिस तरह से हमें कोई कह देता है कि माई टेबल पर मजमून लिखो माई स्कूल पर मजमून लिखो माई काओ पर लिखो इट इज लिटरली नॉट लाइक दैट गोरे जो है हमसे बहुत आगे हैं हर ऐसे जो होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट होता है

आर्ग्यूमेंटेटिव uh, ऐसे होता है वो बहुत ज्यादा बिकता है ब्लॉग uh, पोस्ट भी बहुत ज्यादा सेल होती है मगर जो ऐसे की जो डिमांड है वो बहुत बहुत ही ज्यादा है आप किसी भी फॉरम पे चले जाएं इसको लोग खरीदते हैं और अच्छी खासी इसकी कीमत देने को तैयार होते हैं सो so, अगर इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक एक पैराग्राफ तो शायद आपसे कोई ना लिखवाए मगर पूरा ऐसे जब आपसे कोई लिखवाएगा तो उसके वो आपको पेमेंट भी ज्यादा करेगा और आप ज्यादा अर्न भी कर सकेंगे एनी हो फर्स्ट थिंग जो एक ऐसे का पार्ट होती है वो उसका ऑब्वियसली उसका एक टाइटल तो होता ही है ठीक है अब एक उसका एबस्ट्रेक्ट होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि आप इसके अंदर uh, क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं क्या कुछ आपने ठीक से डिस्कस कर लिया ठीक है और इसमें क्या क्या मजीद कमियां रह गई ठीक है सो so, ये जो होता है वो आपके पूरे के पूरे आ, जो आपका ऐसे होता है बाकी का उसके बारे में डिस्कशन करता है ये जो आपका आ, क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका ये सारा का सारा इस चीज को डिस्कस कर रहा होता है और जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ये बताएगा कि आपने अपने ऐसे के अंदर क्या क्या बातें करनी है चलिए ठीक है So, ये जो आपका होता है इंट्रोडक्शन ये सारा का सारा आ, बात कर रहा होता है आपका फ्यूचर के लिए फ्यूचर में आप आ, क्या इसके अंदर जो है करने वाले हैं ठीक उसके बाद आप उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बॉडी है पैराग्राफ के अंदर आपने जो सब हेडिंग्स बनाई हैं उन सब चीजों को आप डिस्कस करते हैं ये सारे डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये कितने भी हो सकते हैं वो पैराग्राफ जिस तरह से आपको पहले बनाने सिखाया कि हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक कोई ना कोई टॉपिक होता है ठीक है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि इसके अंदर क्योंकि आप यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ नहीं लिख रहे दिस पैराग्राफ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर एकेडमिक ऐसे सो यहाँ पे उस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि आपका टॉपिक सेंटेंस है और उसको एंड में कंक्लूजन देना मगर हर पैराग्राफ एक डिफरेंट सब टॉपिक को डील जरूर करना चाहिए उसका ठीक है अच्छा और एंड पे आपका आ जाता है कंक्लूजन अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो काबिले गौर है सबसे ज्यादा वो चीज होती है थीसिस स्टेटमेंट या फिर इसको सेंट्रल आर्गुमेंट भी कहा जाता है अब ये सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है ये सेंट्रल आर्गुमेंट पूरे के पूरे आपके ऐसे की जान होता है ठीक कि आप फर्ज कर लें अगर आप चाइल्ड अब्यूज के ऊपर अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं ठीक है तो आप इसके अंदर अगर एक आर्ग्यूमेंट छोड़ देते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर चाइल्ड अब्यूज की जो आ, रेशो है वो बढ़ रही है ठीक है पिछले दस सालों की नस्बत ज्यादा हो गई है तो फिर बाकी के जितने भी आपके बॉडी पैराग्राफ होंगे आप अपनी इस थीसिस स्टेटमेंट को ही प्रूव करने के लिए सारे के सारे लगा देंगे ये सारे के सारे जो आपके हैं आ, ये सारे आपके थीस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे होंगे ये सारी की सारी चीजें ये इस तरह से इसके अंदर एक कोरेंस बनेगी ठीक और इसी तरह से आपका जो कंक्लूजन होता है कंक्लूजन आपका बात करता है सारा का सारा आपके पास्ट के बारे में ये सारा पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाता है पास्ट के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंट के अंदर के हमने ये ये किया ठीक है ये जो हमने बात की ये सारा करता है फ्यूचर में कि हम इस पैरा इस के अंदर ये ये बातें करने वाले हैं और यहाँ जो अगला हमारा जो कंक्लूजन है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमने ये ये बातें कर दी ठीक और फाइनली जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका पार्ट है उसके अंदर हम ऐड करते हैं रेफरेंसेस जो है हमारे रेफरेंसेस जिसके ऊपर लास्ट लेक्चर जो था आपका एंटायरली बेस्ड ही इस टॉपिक के ऊपर था किस तरह से एपीएलएम में शिकागो को यूज करके वैंकूवर को यूज करके किस तरह से आप रेफरेंसेस बनाते हैं और किस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन करके एक क्रेडिबिलिटी आप डेवलप करते हैं अपने ऐसे के अंदर वेल well, अब ये देखें कोहेरेंस किस तरह से आपने क्रिएट करनी है अपने एक ऐसे के अंदर अब और क्लैरिटी से क्या मतलब है ये मैं आपको बड़ी डिटेल में फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि कोहेरेंस का मतलब है कि आपका जो ऐसे है वो एक आ, उसके सारे सब पार्ट एक दूसरे से मिले जुले हों वो मिलकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहे हों वो स्कैटर uh, ना हो जाए आप एक चीज है तो पटरी से आप उतर ना जाएं इस चीज की बात है कोहेरेंस क्लैरिटी ये है क्लैरिटी किस तरह से आती है क्लैरिटी आपकी हमेशा आती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट से ठीक मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर غالबन एक एग्जांपल से आपको बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट या आपका जो सेंट्रल आर्गुमेंट होता है वो आपके एकेडमिक एसे के इंट्रोडक्शन की हमेशा आखिरी लाइन होता है दिस वन ये आखिरी लाइन जो है ये ही पूरे के पूरे आपका जो ऐसे है उसकी जान सारी की सारी ये है ठीक अब मैंने जैसे बताया कि इस पूरी बॉडी के अंदर आप इसी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए डिफरेंट एविडेंसेस देते रहते हैं दिस, दिस, दिस आर ऑल एविडेंसेस ठीक है जिसके अंदर आप डिफरेंट रिव्यू जर्नल से बातें उठाएंगे डिफरेंट दिफरेंग आर्टिकल से बातें पकड़ पकड़ के लिखेंगे वो इसके अंदर सारी की सारी आ जाएंगे ठीक है अब कंक्लूजन के अंदर आपने क्या करना है आपने ये जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है एज इट इज वही थीसिस स्टेटमेंट यहां पर उस तरह से कॉपी पेस्ट होती है फर्क क्या होता है फर्क ये होता है कि आप सिंपली स्टार्टिंग में ये कहते हो पूरी बात करने के बाद कि इट इज आर्ग्यूड दैट दिस थीसिस स्टेटमेंट आप आर्ग्यू करते हो कि दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट और एंड पे आप कहते हो इट इज कंक्लूडेड दैट द सेम थीसिस स्टेटमेंट विल बी यूज्ड हियर एज वेल ठीक अब ये ना, कैसे होता है ये मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको भी देकर बताता हूं ठीक है ये जनरल इसको देखते रहेंगे तो इसको कभी भी इस चीज की समझ नहीं आती कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक्चुअली होता क्या है ठीक सो तो आपको एक ऐसे स्टार्ट करने से पहले उसकी हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अब प्रॉपर प्लानिंग का क्या मतलब है प्रॉपर प्लानिंग का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तकरीबन डेढ़ पेज लंबा हो गया और आपने बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा और फिर आपने कंक्लूजन भी इतना ढेर सारा लिख दिया ठीक है जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो आपकी होती है कि ये सारा जो आपका हिस्सा है जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट इसी साइज का होता है जिस साइज का आपका कंक्लूजन आता है ठीक है सो so, ये दोनों जो हैं आपस में बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इन दोनों को ठीक है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट भी एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी आपका जो है इन दोनों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक इसके अंदर बेशक डिफरेंट चंक्स हो ये बॉडी पैराग्राफ छोटा हो जाए अगला बेशक और छोटा हो जाए और छोटा हो जाए मगर कलेक्टिवली अगर आप इन सब का साइज देखेंगे इस पूरी बॉडी का साइज जब आप देखेंगे तो वो इन दोनों की नस्बत बहुत बड़ा होगा ठीक है दिस इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ कि किस तरह से उस पैराग्राफ को किया जाता है बार, मैं आपको बता रहा था कि अगर जब आप फॉर्मल तो मतलब राइटिंग बताता हूँ जो दो लाइनों के दरमियान में जो फर्क होता है जैसा कि एक लाइन ये लिखी है तो इस लाइन के दरमियान थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस का फर्क है ठीक है तो ये डबल स्पेस का फर्क करेंगे तो इन दोनों के दरमियान का फासला और भी ज्यादा कम हो जाएगा ये फासला जो है इसकी मैं बात कर रहा हूं ये ये जितना हो हो ज्यादा तो उसको ट्रिपल स्पेस फोर स्पेस नॉर्मली डबल स्पेस जो है एकेडमिक राइटिंग के अंदर यूज किया जाता है ताकि एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट टू सेवेंटी फाइव से टू एटी वर्ड आए तो वो एक पेज बड़ी आराम से आपका पूरा हो जाता है तो नॉर्मली जो एक ऐसे की आमतौर पर लेंथ होती है कि अच्छा आर्ग्यूमेंट अगर आपने प्रूव करना है तो तकरीबन हजार वर्ड्स ग्यारह सौ वर्ड या फिर क्या कहते हैं टू थाउजेंड वर्ड्स तक भी ये जाता है ठीक है मगर नॉर्मली जब आपने इसको सेल करना हो अपने किसी क्लाइंट को इंटरनेट के ऊपर तो आपने रूल ऑफ थम यही है कि टू वर्ड्स का एक पेज है ठीक है उसको आप बेच सकते हैं फाइव डॉलर के अंदर ठीक है फाइव डॉलर में एक पेज आपका बिक सकता है इसी तरह से टू वर्ड्स तो, के मल्टीपल में आपके जो एसेज हैं वो इस तरह से बिकते रहते हैं तो मेरा जो रूल ऑफ थंब ये है किसी भी ऐसे को क्राफ्ट करने का वो ये होता है कि मैं इंट्रोडक्शन को 150 वर्ड्स तक कंस्ट्रेंट करूं और कंक्लूजन को भी 150 वर्ड्स तक करूं कब जब तक के ये जो है हमारा ऐसे है 1100 तक है या फिर 1375 तक भी है और 1700 वर्ड्स तक भी है तब तक भी मैं इसको 150 160 वर्ड इससे ज्यादा इसको कभी भी आगे जाने नहीं देता रीजन क्या है रीजन इसकी ये है कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है कि इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हुए जो है अगला बंदा बोर हो जाए सो so, मेजर किसी भी ऐसे के अंदर जो लिखना है पार्ट वो क्या चीज होती है वो असली जो कमाल है आपका असली कमाल वो आपका बॉडी ही लिखना है ठीक है ये बॉडी अगर लिख ली जाए तो ये कंक्लूजन जो है इंट्रोडक्शन uh, और कंक्लूजन ये दोनों ही बातें बहुत बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं ठीक है और मैं आपको बता अगर आप स्टार्टिंग में ये कर देंगे कि आप स्टार्टिंग में इसको इंट्रोडक्शन को लिखेंगे उसके बाद बॉडी को लिखेंगे दूसरे नंबर पे उसके बाद तीसरे नंबर पे जाकर इसको लिखेंगे तो आपका जो भी आ, ऐसे है वो बहुत ही बुरा बनेगा वो उस पर इम्पेक्ट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और उसमें कोहेरेंस जो है बिल्कुल भी डिवेलप नहीं होगी कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ फर्ज कर लें आप एक ऐसे अपना बनाने लगते हैं और उसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रन करेक्टर डेवलपमेंट ठीक है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज किए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट है आपके बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है ठीक अब आप स्टार्टिंग में ये सोच के बैठ जाए कि यार मुझे जो है ना एक अपनी आप जनरल परसेप्शन अपनी बनाते हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट से जो है लोगों के लोगों के ऊपर असर जो है बच्चों के ऊपर इतना असर नहीं होता ठीक है और उससे आप सोच रहे कोई सोशल इश्यूज इससे डेवलप हो जाते हैं कोई मॉरल इश्यूज इससे डेवलप हो जाते हैं ये आप सोचते सोचते आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया मगर जब आप इंटरनेट पर सर्च करने लगे तो आपको उस तरह का कोई कंटेंट मिला ही नहीं ठीक आपने इंट्रोडक्शन तो फिर आपका जाया हो गया ना ठीक है तो तरीका ये होता है कि आपने अपना जो इंट्रोडक्शन जो होता है आपका ठीक ये जो आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है और जो आपका बॉडी बॉडी के अलावा जितना भी आपका पार्ट है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आपने हमेशा एंड पे लिखना है ठीक आपने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को लिखना स्टार्ट करना है ये आपने अगर लिख लिया पार्ट तो आप समझे आपका आधा काम हो गया बाकी सारा काम कुछ भी नहीं होता करने वाला वो लिखा जाता है बहुत आराम से मैं बताता हूँ कैसे तो फर्ज करें कि आपने टॉपिक तो, आपने चूज किया इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रन करेक्टर डेवलपमेंट अब आपने इंटरनेट पर सर्च किया तो आपको मिला पहले आपको मिला कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आपने इस चीज के ऊपर किया कि यार टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है इंटरनेट के ऊपर और इस, इस तरह से डिस्ट्रेक्शन हो रही है पहले आपने डिस्ट्रेक्शन को लिस्ट आउट कर दिया ठीक है वीडियो गेम्स की वजह से है मूवीज की वजह से है मोबाइल गैजेट साथ में आ गए उसकी वजह से है ठीक है, है और ये सारे के सारे ये ये सारी डिस्ट्रेक्शन है अभी आपने उनका इफेक्ट नहीं देखा ठीक है फिर आपको एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर आपको उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिल गया कि आपकी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ठीक सबसे पहले आपने इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस कर लिया उसके बाद एक आपको आर्टिकल मिला जिसके अंदर बताया कि फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है फिजिकल इम्पैक्ट से क्या मतलब है लोग गेमिंग करते हैं तो उनके मसल्स ये मसल्स जो हैं बैक मसल्स और नेक के मसल्स ये पेन करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा मूवीज मोबाइल पर देखने से बच्चों की आंखों पे आई आईसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो जाता है ये एक फिजिकल इम्पैक्ट है जो आपने लिस्ट आउट कर लिया ठीक और उसके बाद आपने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि इसके सोल्यूशन क्या है इसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है आप चाहें तो यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि जिस बात को अप्रूव करना चाह रहे हैं उसके मुकाबले में दूसरा स्कूल ऑफ था क्या कहते हैं बारेल ये सब चीजें वो टेक्निक है जिनसे आप इसकी बॉडी को एक्सपैंड कर सकते हैं ठीक है सो so अगर मेरे पास ये क्या कहते हैं अपना मैंने बना लिया अपना 1100 का अगर मेरे पास वो था ऐसे था तो मैंने 150 अगर उस पर लगा दिए तो इस, इन सब के लिए अगर ये चार पार्ट मैंने किए हैं तो 200 वर्ड की आप एक कंस्ट्रेन अपने पास रख लें ठीक है कि इसके ऊपर आपने 200 वर्ड हर पैराग्राफ को आपने देने हैं ये आपने दे लिए तो आपका जो है आधा काम आपका यहाँ पे हो गया आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट पूरा आपका हो गया ठीक है अब उसके बाद आपने बनानी है थी स्टेटमेंट आप फर्ज कर लीजिए कि ये सारी चीजें जो है ये चारों पॉइंट्स आपकी हेडिंग्स हैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर बना लिए 800 हंड्रेड वर्ड आपने इनको चूज करके लिख लिए अब आपका काम है इनकी थीसिस स्टेटमेंट बनाना और उसी थीसिस स्टेटमेंट को आपने कंक्लूजन के अंदर भी यूज करना है ठीक है अब इससे थीसिस स्टेटमेंट मैं बना बनाई है जो मैंने मैं आपको दिखाता हूं आपने पूरे पैराग्राफ के अंदर बातें की कि भाई आ, टेक्नोलॉजी से बड़ा जो है नुकसान हो रहा है कुछ लोग ये कहते हैं कुछ लोग वो कहते हैं हम इस आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे अब यहां पे क्या बात आई कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई वो डायरेक्टली रिलेटेड थी इस चीज से ठीक है ये मैंने बात कर दी उसके बाद क्या चीज है उसके बाद रिजल्ट इन नंबर ऑफ फिजिकल सेटबैक की बात है वो डायरेक्टली इस चीज से रिलेटेड है फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है ठीक और इसी तरह से साइकोलॉजिकल सेटबैक्स हैं उसके वो चीज इससे डायरेक्टली अब रिलेटेड है ठीक होगी बात इसी तरह से आपने बात कर दी कि क्विक रेमेडीज की जो बात है दैट कैन ओनली बी अवॉइडेड बाय प्रोमोटिंग The positive valid use of of technology through a collective effort of parents, teacher and healthcare professionals. रिलेटेड है ली अब जब आप कंक्लूजन के अंदर जाएंगे तब आप क्या करेंगे तब आप इसी ही थी स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे ठीक है आप अपनी पूरी की पूरी ये एक इस तरह से आसानी बहुत ज्यादा है कि आपका आपने जो कुछ एक डेढ़ लाइन की जो आपने जो आर्ग्यूमेंट जो आपने बनाया इंट्रोडक्शन के अंदर वही आप कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देंगे बस आप लिखेंगे दैट दैट इट इट इज इज आर्ग्यूड कंक्लूडेड ठीक है उसमें आर्ग्यू करना, करना है और एंड पे उसी चीज की रेपिटेशन को लेकर उसको कंक्लूड करना है ठीक है तो आपका वर्ड काउंट में बहुत आपकी बचत हो जाती है ये ऑलमोस्ट एक पेज से ज्यादा आपका बन जाता है 275 वर्ड का मैंने अगर आपको कहा कि एक पेज है तो 150 का इंट्रोडक्शन 150 का कंक्लूजन 300 वर्ड यानी एक पेज से ज्यादा तो आपका इसी चीज में आपका लग जाता है तो बकिया जो आपके जो आपका ऐसे है उसकी बॉडी जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी बाकी इसमें कंज्यूम होती है हाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस वन नहीं जी फर्ज कर लें मुझे अब उस टॉपिक के ऊपर लिखना है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रन आया के पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेगेटिव है है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता ये वही ए फॉर्मेट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था ये मैं भी आपके गूगल ड्राइव में आप जाएंगे आपको वहां पे मिल जाएगा सो so, इसके अंदर मैंने इसके पहले टाइटल को चेंज करना है मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे ये मैंने लिख दिया मैंने इसको रिप्लेस ऑल किया रिप्लेस हो गया इंपैक्ट मैंने क्या इंपैक्ट की स्पेलिंग लिख दी चलो जो भी है यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर दिया और इधर इसके दूसरे पेज के हेडर के अंदर भी जाकर इसको रिप्लेस आपने कर देना खैर ये हमने इसको कर दिया इधर भी कर देता तो हूँ नहीं इधर भी रिप्लेस हो गया अच्छा अब मैंने जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे जाकर मैंने सिंपली लिखा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रन और उसके बाद मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स खुल रही जिसके अंदर ये है जर्नल थ्राइव ग्लोबल हफिंगटन थ्राइव ग्लोबल साइकोलॉजी टुडे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डॉट कॉम बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में आ जाती हैं याद रखें जो स्टार्टिंग में जो भी आती हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं और वो ज्यादा फेमस भी होती हैं उनकी एस ज्यादा अच्छी की होती है ऐसी हो क्या चीज है वो भी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा क्या है अब ये फर्ज कर ले मैंने इस तरह का एक किसी की ब्लॉग पोस्ट किसी क्रिस रोवन नामी या कोई औरत है इसका मैंने ब्लॉग पोस्ट खोल ली इसके अंदर से मुझे कोई पार्ट पसंद आया मैंने उसको यहां से पकड़ के कॉपी किया और मैंने अपने पास उसको रख लिया ठीक ये हो गया अब इसी तरह से मैं एक और मैंने रिजल्ट खोला और उधर से मैंने आ, इसका नाम है विल टेक्नोलॉजी टून्यूअल चिल्ड्रन डेवलपमेंट टॉपिक तकरीबन तकरीबन वही है मैंने यहाँ से भी इसका तो मुझे जो पार्ट पसंद आया मैंने उसको भी कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर लिया अपने काफी ऑथेंटिक इनफॉर्म होती है यहाँ पे इसका भी मैंने इसका भी मुझे पार्ट पसंद आया और मैंने इसको अपने पास ऐसे रख लिया ठीक अब जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने पहले इसकी बॉडी क्राफ्ट करनी है ठीक अब वो जो मैंने आपको चार हेडिंग्स बताई वो एक एग्जाम्पल थी यहां तक आने तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं आ, क्या हेडिंग बनाने वाला हूं ठीक है अब मैं इसको लिखना शुरू करूंगा तब मुझे इस चीज का आ, पता चलेगा कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं ठीक है मुझे ये पार्ट इसका लेना चाहिए ये पार्ट इसका नहीं लेना चाहिए अब मैं क्या करूंगा मैं इसको यहां से इसको बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करूंगा और इसको रिफ्रेस करना शुरू करूंगा ठीक है इस पार्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उस तरीके से रिफ्रेस आप करें जिस तरह से आपने लास्ट अपनी असाइनमेंट के अंदर किया था ठीक है इसको दो दो तीन तीन लाइन पढ़ते जाएं, फिर उसको रिफ्रेस करके यहां से मिटाते जाएं, फिर अगली लाइन पढ़ें, उसको रिफ्रेस करें यहां से मिटा दें तो इस तरह से आप करते करते इस सारी टेक्स्ट को खत्म करें ठीक है और उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी लाए और उसको एक ऐसे की फॉर्म में आपने ठीक है अब मैंने इसको जो है ऐसे की फॉर्म में मैं अभी इसको बनाता हूं ले हजरात मैजिक कंप्लीटेड और ऐसे एक मैंने जो है तैयार कर लिया अब यहां पे क्या हुआ वही इसकी जो है अ इंट्रोडक्शन जो था बिल्कुल मैंने इसका एंड में जाके इसका लिखा और मैंने इसकी बॉडी जो है पहले मैंने बनाई और इसके बाद में मैंने इसका कंक्लूजन लिखा ठीक है अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट वर्ड काउंट जो है हमारा आ, इसका 150 तक ही होता है 150 170 इसके लगभग होता है इससे ज्यादा इसका वर्ड काउंट नहीं होता अगर किसी को वर्ड काउंट देखना नहीं आता तो मैं उसको तरीका बता देता हूँ कि यहां से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट दीज आर 171 वर्ड्स और 884 कैरेक्टर्स विदाउट स्पेसेस और स्पेसेस को मिलाने तो 1056 आ, ये कैरेक्टर्स हैं एक पैराग्राफ है और ये 12 लाइंस हैं ठीक है तो आप में से कई शहजादे होंगे जो गिन गिन के इन लाइंस को वो करते होंगे और लफ्ज गिन गिन के बताते होंगे कि ये वर्ड काउंट ऐसा है यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट का भी वर्ड काउंट आ रहा है कि ये बारह वर्ड्स का पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है ठीक है सो अब आप सोच रहे होंगे लो जी मैंने ये लिख के क्यों नहीं आपको दिखाया आहिस्ता आहिस्ता तो वो उसके ऊपर लास्ट लेक्चर सारा का सारा इस चीज के ऊपर था कि आप इंटरनेट से अगर कोई भी कंटेंट अगर आप उठा लें तो उसको रिफ्रेस आप कैसे कर सकते हैं काफी लोगों ने उसके ऊपर माशाल्लाह बड़े अच्छे से काम किए जिन जिन को मैंने रिव्यू दिया है उन लोगों ने तो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिफ्रेस करके प्लेजरिज्म रिमूव किया है ठीक है सो Uh, यहाँ पे मैं आपको दिखाने ये वाला था कि यहाँ पे ये देखें ये वो है मैं आपको नजर आए एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिजल्ट साइकोलॉजिकल बायो और इसको इन इन चीजों से अवॉइड किया जा सकता है ठीक है अब ये चीज है इसको मैंने किया कॉपी मैं आपको एंड पे जाकर ये दिखाता हूँ कि जो हमारी जो हमारा कंक्लूजन था

लिखी जाती हैं वही सारी की जाती हैं अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बात लिखी जाती है मैं आपको दिखाऊं इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कहा ये एक मसला है मसला क्या है उस मसले को बताया जाता है ठीक है और आ, ये बात की जाती है कि आप इस पेपर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आप यहाँ पे जो अब जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया तो आप इंट्रोडक्शन की वो कैसे लिखेंगे कि आप इस पेपर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर इज प्रेजेंटेड टू यू वाज सो नॉट वाज क्राफ्टेड बाय द राइटर ठीक है इंट्रोडक्शन पहले अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि उसने इंट्रोडक्शन पहले लिखा है ठीक है कंक्लूजन अगर एंड पे आया है उसका कथन यह मतलब नहीं है कि कंक्लूजन उसने एंड पे लिखा है मैं पूरी बॉडी लिखने के बाद कई दफा कंक्लूजन पहले लिखता हूँ और फिर उसका इंट्रोडक्शन बाद में भी लिखता हूँ ठीक है सो so, मैं उल्टी तरतीब से ऊपर जाता हूँ सेंटर से शुरू करता हूँ और फिर या तो फर्स्ट पार्ट उसका लिखता हूं या फिर लास्ट पार्ट उसका उसके बाद लिखा करता हूँ ठीक है और ये जो आपका कंक्लूजन होता है ये कंक्लूजन के अंदर यहां तक का जो पार्ट है वो क्या होता है वो पार्ट और कुछ नहीं होता वो आपकी इन पिछली चार हेडिंग्स की हेडिंग होता है ठीक है आपने अगर तो दिल से एक चीज को लिखा है और समझ के लिखा है और लिखते लिखते आपको समझ आ जाती है आप क्या लिख रहे हैं ठीक है ये चीज जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये क्या है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मैंने उस हेडिंग के अंदर डिस्कस किया मेंटल डिसबिलिटीज और डेवलपमेंट डिलेज ये सारे के सारे वो हैं जो के मैंने डिस्कस किए साइकोलॉजिकल डेफिसिट या साइकोलॉजिकल सेटबैक्स जो इसकी वजह से कॉज होते हैं और फिर मैंने उसी का समरी लिखी कि फिजिकल इनएक्टिविटी ओबिसिटी डायबिटीज इमरोलोज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ये कुछ हैं जो कि फिजिकल डिसबिलिटीज हैं फिर उसी कही बट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन नंबर ऑफ पॉजिटिव वेज उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी डिस्कस कर लिया ठीक सो so, यहां तक जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा आपके ऐसे की एक समरी होता है और एंड में सेम टू और ये सब करने के बाद आपने क्या करना है आपने क्या आपने ये करना है आपने रेफरेंसेस डालना है ठीक है रेफरेंसेस कैसे डालना है उसी तरह से आपने जो पूरी बॉडी ऑफ पैराग्राफ जो बनाया है उसके अंदर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वर्ड्स को कॉपी कीजिए जाके गूगल स्कॉलर पे पेस्ट कीजिए वहां से आपको कुछ ना कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे उन रेफरेंसेज को साइट का वो जो बटन है उसको दबा के कॉपी करें यहां पे लाके पेस्ट कर दें अल्फाबेटिकल तरीके से यहां पे रख दें और फिर यहां से इंटेक्स साइटेशन इसकी उठाकर आप अपने आर्टिकल के अंदर डाल दें डिफरेंट जगह पे अब याद रखें कि ये जो इंटेक्ट साइटेशन है ये आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे किया करें एक से ज्यादा जगह पे मत किया करें अगर आपके चार रेफरेंसेज हैं तो उनकी साइटेशन एक ही जगह पे करें लिवर स्टोन में लिखा हुआ पेपर इस आर्टिकल में एक ही जगह पे मैं डाला है एक से ज्यादा जगह पे दो तीन जगह पे मैं नहीं डाला करता ठीक है तो लोग कई दफा वर्ड काउंट को बढ़ाने के लिए क्लाइंट ने अगर 800 वर्ड दे दिया आपके पास भाई सात हो रहे हैं बाकी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा तो मैं इंटेक्स साइटेशन डाल डाल के वर्ड काउंट पूरा करूं ऐसे नहीं आपने करना और ये भी याद रखें कि ये जो uh, रेफरेंसेज मैंने यहां से चेक करूं तो इसके अंदर ये बन रहे हैं सिक्सटी टू वर्ड बन रहे हैं इलेवन हंड्रेड वर्ड के ऐसे के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते बिल्कुल भी नहीं होते ठीक है जो आपका इलेवन हंड्रेड वर्ड का ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन को मिलाकर जो आपका ऐसे बनेगा दैट विल बी योर एक्चुअल uh, so, uh, करना क्या है। अब हजरात आपने करना यह है दैट यू हैव टू राइट एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे अब आर्गुमेंटेटिव uh, ऐसे उसकी जो मिनिमम जो लेंथ है मैंने आपको कही है कि 550 वर्ड्स Uh, मैं आप लोगों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता कि आप लोग ज़्यादा लिखें मुझे चेक करने में भी दिक्कत होगी लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग लोगों में से कोई हिम्मत करके अगर वन थाउजेंड वर्ड्स का ऐसे लिखे फाइव फिफ्टी वर्ड्स का मतलब सिर्फ दो पेजेस होते हैं सुनने में ज्यादा लगता है कुछ भी नहीं होता ठीक है और इतने में तो मतलब अगर आप फाइव फिफ्टी वर्ड्स का लिखेंगे तो वन फिफ्टी वन फिफ्टी का अगर आप इंट्रोडक्शन uh, और कंक्लूजन लिखने बैठ जाए तो बॉडी uh, से बड़ी बन जाएगी ठीक है सो so, अगर फाइव फिफ्टी का लिखें तो हंड्रेड वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हंड्रेड वर्ड्स का आप कंक्लूजन लिखें और बाकी जो आपका uh, जो आपके थ्री फिफ्टी वर्ड्स जो रह जाएंगे उसकी आप बॉडी लिखिए ठीक है मैं इनक्रेज करूंगा आपको कि आप ज्यादा इसके ऊपर वर्क uh, करें तो ये कुछ uh, आपकी असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं uh, जिसके अंदर uh, इनमें से आप कोई भी एक उठा लें अगर आपको इनमें से ना पसंद आए और कोई आप किसी नए टॉपिक पे लिखना चाहें तो आप मुझसे uh, no, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं प्लीज आपने किसी भी आर्टिकल के अंदर किसी भी आर्गुमेंटेटिव किस, ऐसे कोई भी चीज आप अब से लिखें या आपके बाद लिखें उसके अंदर पाकिस्तान को और इस्लाम को डिस्कस नहीं करना ठीक है हम लोगों को बहुत ही शौक है इन दो बातों को डिस्कस करने का बट इन चीजों को अंदर ना लेकिन दे आर वेरी बोरिंग थिंग्स ठीक है और अगर आपने आ, ट्रेन होना है इस चीज के ऊपर कि आप कभी अपना ब्लॉग लिख सकें अपनी बुक लिख सकें अपना आ, आ, अपनी फ्रीलैंसिंग के अंदर कोई एकेडमिक राइटिंग की कोई चीज बेच सकें फॉर्मल राइटिंग किसी के लिए कर सकें तो इन दो चीजों से बच के रहें इन दो चीजों को इंक्लूड मत करें अपने लिए लिखें ठीक है जब कभी आप यहां किसी लोकल अखबार में लिखेंगे तब पाकिस्तान और इस्लाम को डिस्कस करें वैसे मत करें ठीक है तो यहाँ पे जनरली ये बात की जा रही है कि आपको अगर जो बड़े कंट्रीज हैं वो छोटे कंट्रीज को आर, आ, डोनेशन देते हैं उनको सपोर्ट देते हैं फॉरन एड उनको देते हैं तो वो उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इसके हक में आपको आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट भी आप लोग कर सकते हैं बट जो आर्ग्यूमेंट है आपके जो बॉडी के अंदर वो आ, कुछ जानदार होने चाहिए ठीक है यानी कि किस तरह से वो उनको मोहताज कर देते हैं या फिर वो वो फिर बाउंड हो जाते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए ठीक है और आप ना लेने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई Uh, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट इससे जो है वो अफेक्ट होती है और बहुत सी चीजें जो है आप सर्च करेंगे बहुत कुछ मिलेगा इंक्लूजन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लासेस ये भी एक डिबेट है कि डिसेबल चिल्ड्रन को नॉर्मल बच्चों की तरह किस तरह से आम स्कूल में उनको भेजा जाए जीएमओ जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड जो है जीएमओस हमारी होती हैं uh, कि आप हाइब्रिड बीज बनाते हैं उनकी पैदावार ज्यादा होती है मगर उनसे मुजीब प्रोडक्शन नहीं हो सकती ये चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड आप भी खा रहे हैं मैं भी खा रहा हूँ आपको भी नहीं पता ठीक है अच्छा लेजिटिमेसी ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स चूहों के ऊपर बिल्लियों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना एथिकली और लीगली ठीक है कि नहीं है बुलिंग प्रिवेंशन एट स्कूल स्कूल के अंदर जो बुलिंग है बड़े बच्चे छोटे बच्चों का जो मजाक उड़ाते हैं उनके साथ उनको खेलते हैं उनको तंग करते हैं उस चीज को प्रिवेंशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस चीज के ऊपर आप लिख सकते हैं

और लास्ट मॉट प्रोस्टिट्यूशन बी लीगलाइज इन अमेरिका अमेरिका की बात है पे बोछी बोछी के जो हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो जिसम फरोशी कर सकती हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन नहीं बल्कि उनको सेक्स वर्कर कहा जाता है और ये लीगल इसको उन लोगों ने करार दिया ठीक है सो एवरी वन हैज राइट टू यूज हिज ओन बॉडी के किसी भी तरह से एंड प्रोस्टिट्यूशन मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं इस चीज को याद करें इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत से इसके अंदर टॉपिक्स एंड डिफरेंट जो के इसके अंदर आ सकते हैं सो गुड लक मैं चाहूंगा कि आप ये मुझे आर्गुमेंटेटिव एसे जो है दो दिन के अंदर आप मुझे ये बनाकर लाजिमी दें ठीक है uh, मैं मज़ीद कोई टफ असाइनमेंट अगले लेक्चर में नहीं दूंगा मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर काम करें और जब आप ये मज़े दें तो then your work should be impeccable and immaculate and acceptable so this assignment um, uh, will be an evaluation of your interest I will gauge the extent to which you are uh, flourishing in this and how much you are interested in my teachings uh, that's it for now thank you very much Allah Hafiz